हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, अभी हम टेंसेस कर रहे थे और हमने देखा कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं और ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इंटू फोर और 12 टेंसेस होते हैं। और हमें अभी हम जो है प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वही हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस, तो अभी हम जो है उसी को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। तो बच्चों, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तभी हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले अभी हम रिवाइज करते हैं कि हमें जो है तो सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। अभी हम इसको रिवाइज करेंगे, देन वी विल डू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? तो सिंस हम करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर हम यूज करते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए। क्लियर? तो हमने यहाँ पे करा था कि किस तरह से टाइम होता है, अगर हम फिक्स टाइम बोलेंगे, डेफिनेट टाइम बोलेंगे, 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, देन वी यूज सिंस। अगर हम बोलेंगे फॉर 2 आवर्स, तो अभी ये डेफिनेट नहीं है कि 2 आवर्स कौन से हैं। जैसे मैंने अभी क्लॉक से आपको बताया था कि अगर हम ये 2 आवर्स बोल रहे हैं, तो मे बी ये वाले हो सकते हैं, ये भी ये, राइट? तो यहाँ पे क्या है, अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। सिमिलरली सिंस जुलाई, क्योंकि हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं जुलाई का मंथ है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, सिंस। अगर हम बोलेंगे मंथ बोलेंगे सिंपल सा, फॉर मंथ वन या 2 मंथ या 3 मंथ, तो अनसर्टेन है कि मे बी जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर को आपको कहाँ यूज करना है। सिंस फॉर डेफिनेट टाइम, फॉर फॉर इनडेफिनेट टाइम। क्लियर? तो अगर फिक्स टाइम है 2 o'clock है, या फिक्स मंथ है, या फिक्स डे है, तो आपको क्या यूज करना है, सिंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसको आज हम करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे हमने पहले ही बताया था आपको, प्रेजेंट और परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूस, दो टेंसेस का क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। क्लियर? एक कंप्लीट है और एक क्या है, इनकम्प्लीट टेंस। इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इन टू द प्रेजेंट। इसका हमारा जो है फॉर्मूला क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर, और आपको क्या यूज करना है, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और टाइम जो है इसमें रहता है, और सिंस और फॉर को आपको यूज करना है। क्लियर? सिमिलरली थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अब हम किसके साथ हैव को यूज करेंगे, किसके साथ हम हैव को यूज करेंगे, लेट्स सी। ही, she, it के साथ हम यूज करेंगे have, और दूसरा क्या यूज करना हमें, एक जो है कनेक्ट have और has हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से कौन कनेक्ट करेगा, been, then मेन वर्ब उसकी v1 प्लस ing। नेक्स्ट है I, you, we और दे, इनके साथ हमें क्या यूज करना है, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, दैट इज योर बीन और प्लस वी फोर्थ या वी वन प्लस आईएनजी। क्लियर? तो कौन सा वर्ड इनको कंबाइन करता है, बीन, हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को। क्लियर? हैव बीन, हैज बीन। लेट्स सी द सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड हैज बीन। अब यहाँ क्या है, द चाइल्ड हैज बीन, हैज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, बीन को हम ऐड करा है इनको ज्वाइन करने के लिए, और ये क्या है आपका, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा, फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे से। क्लियर? अगर यहाँ पे होता 2 o'clock, अगर यहाँ पे क्या होता है 2 o'clock, तो हम क्या यूज करते बच्चों, यहाँ पे फॉर यूज करते हैं या सेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेफिनेट टाइम है। क्लियर? तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं, सेंस। क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम, सेंस।
अब यहां पे हमने फॉर यूज करा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, टू आस, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिंस और फॉर को किस तरह से यूज किया गया है। नाउ कम टू द सेकंड, शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 o'clock है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूजडे, तो इट के साथ हमें क्या यूज करना हैज बीन। तो यहाँ पे भी आप चेक करें, हैज बीन स्लीपिंग या रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूजडे, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे का नाम बता रहे हैं ट्यूजडे का। अगर हम यहाँ पे कहते हैं फॉर वन डे तो हम क्या यूज करते हैं, डे अगर हम यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फॉर ए डे। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना हैव के बाद हमें क्या यूज करना है, नॉट। बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, 2 घंटे से। He has not been doing his work since 2 o'clock. तो बस आपको यही देखना है कि whether definite time है या indefinite time है। तो since और for का difference आपको पता होना चाहिए। They have not been playing since morning. Interrogative में same है, helping verbs कहाँ आ जाएगा, before the subject. Has he been studying in this school since 2004? Have the boys been playing for 2 hours? अब यहाँ पे क्या है, सेम है, वेयर हाउ व्हेन हमें कहाँ लगाना है, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब। वेयर हैव दे बीन डूइंग फॉर 2 days? तो फॉर और सिंस का आपको डिफरेंस पता चल गया, हैव और हैज किसके साथ यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ही शी इट के साथ हैज प्लस बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव प्लस बीन। हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को कौन ज्वाइन करता है, बीन वर्ब, क्लियर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आप याद करें कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे वर्ब दिया है आपको क्या है, इसको अकॉर्डिंग टू द जो भी हमने रूल बताया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये भी चेक करते रहे आपकी सिंस है, क्यों है सिंस, ये भी अपने आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे, यार सिंस है क्यों है सिंस, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम दिया है 10 o'clock। तो इट के साथ क्या यूज करते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock, कि 10 बजे से बारिश हो रही। ही डैश हियर फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। अब यहाँ पे फॉर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाफ एन आवर, आधे घंटे, राइट। तो क्या आएगा बच्चों, ही हैज बीन वेटिंग, कि वो कितने घंटे से, आधे घंटे से यहाँ क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अब कौन से आधे घंटे, इट इज नॉट डेफिनेट, दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, वी यूज फॉर। द डोर बेल 5 minutes, यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉर द पास्ट 5 minutes रिंग, द डोर बेल हैज रिंगिंग, हैज बीन रिंगिंग, कि पिछले 5 मिनट से क्या कर रही है, डोर बेल बज रही है। दे हैव, अब दे के साथ क्या यूज करना बच्चों आपको, दे, वर्ब क्या है आपका, प्ले। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग। आई डैश क्या है, वर्क। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years, कि 5 साल से मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस में। तो आई हैव बीन वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 5 years। मिस्टर ठाकुर, वर्ब क्या है बच्चों, लिव। तो क्या आएगा, मिस्टर ठाकुर हैज बीन लिविंग इन पटना सिंस अगस्त 1998। अब सिंस क्यों यूज करा बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर बताया है, डेफिनेट टाइम बताया है कि 1998 अगस्त से वो कहाँ रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, क्लियर।
हाउ लॉन्ग वेट, हाउ लॉन्ग. अब यू है तो यू के साथ क्या यूज करना है बच्चों? अभी मैंने यहाँ पे रूल बताया था, हैव यूज करना है. आई यू वी के और दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव. यहाँ क्या आएगा बच्चों? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हर सिंस व्हेन द मैच. अभी यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे? सिंस व्हेन हैव द स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग द मैच. तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगा बिफोर द सब्जेक्ट. तो हैव द स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग इन द मैच. वी डैश हैव बीन, यहाँ पे क्या है बच्चों? लर्न. तो लर्न का क्या हो जाएगा? लर्निंग आर लेसन्स फॉर टू आवर्स. द चाइल्ड, चाइल्ड है तो क्या आएगा बच्चों? हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स, कि दो घंटे से बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है. तो फॉर टू आवर्स, अगर 2 o'clock होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों? सिंस 2 o'clock, क्योंकि डेफिनेट टाइम बता रहे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कहाँ पे आपको सिंस यूज करना है और कहाँ पे आपको फॉर यूज करना है. डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर. जहां पे हम पॉइंट कर रहे हैं टाइम को, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस. तो अभी हमने एक्सरसाइज करी है और पूरे उसके रूल्स पढ़े हैं. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो एट एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन और क्लियर योर डाउट. नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है. अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस. तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट कर लिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इट मींस हमने 4 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर पास्ट इंडेफिनेट टेंस. हम भूतकाल की बात कर रहे हैं कि जो हम काम कर रहे थे या कर चुके थे, वो वाले टेंसेस जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिगिन, राइट? तो पास्ट इनडेफिनेट मीन्स जो बीत गया है. द सिंपल पास्ट इज यूज, अभी हम डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट इनडेफिनेट, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे वो पास्ट में हो. तो अनिश्चित काम जो हमने करते हैं या हमने किया है या हम करेंगे, बट वो क्या है? इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट. तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस, इसका मतलब क्या? फ्यूचर की बात करें, सॉरी पास्ट की बात करें. द सिंपल पास्ट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट, बीत गया है जो. इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी टू और ऑब्जेक्ट. तो सिंपल सा है, चाहे वो ही शी इट है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे सिंगुलर है, आपको क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. ही है, चाहे शी, इट, आई, यू, वी और दे, सबके साथ हमें क्या यूज करना है? वी टू, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और नेगेटिव है तो हमें क्या यूज करना है? डिड नॉट. वहां पे हमने क्या यूज करा था? डू और डज यूज करा था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हम यूज करेंगे डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी वन. क्लियर? लेट्स सी द सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंस सेम है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. शी सैंग अ सॉन्ग. अब शी क्या है यहाँ पे? शी आपका सब्जेक्ट हो गया. अब चेक करें, हम जस्टिफाई करेंगे कि जो भी हमने लिखा है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग. तो लेट्स चेक. तो शी क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या बोला है यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो सैंग क्या है आपका? वी टू, सिंग, सैंग, संग. क्लियर? तो सैंग क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. तो हमने यहाँ क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? और शी के साथ हमने क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इट मीन्स ये सेंटेंस क्या है? सही है. शी सैंग ए सॉन्ग या सीता सैंग ए सॉन्ग या राम सैंग ए सॉन्ग.
तो कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आपको क्या यूज करना है कि उसने क्या करा, गाना गाया। आई एट फूड मीन्स मैंने खाना खाया। वी रोट ए लेटर, हमने पत्र लिखा। तो सबके साथ हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, हमने क्या यूज करा यहाँ पे, चाहे थर्ड पर्सन है तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई चेंज नहीं आएगा, वर्ब की फॉर्म सेम चेंज होगी इन द पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सेम है, शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क, आई डिड नॉट, दे डिड नॉट, वी डिडेंट, यू डिडेंट। तो सबके साथ हमने देखा कि क्या आएगा, डिड नॉट। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी पर्सन है, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ क्या यूज करना है हमें, डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है और हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना है बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ये, आपको अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। डेट क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट राइट अ लेटर, डेट आई नॉट राइट अ लेटर। अगर क्वेश्चन वर्ब्स होते हैं व्हेन, हु, वेयर, तो व्हेन डिड यू, बिफोर द हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है व्हेन, हु, वेयर, राइट। व्हेन डिड यू कम हियर, हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे, कि यहाँ पे कल कौन सोया था। क्लियर। तो इस तरह से आपको करना है पास्ट इनडेफिनिट। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको क्या करना है, पास्ट में जितने भी सेंटेंस हो, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया, तो जो भी पास्ट में कह रहे हैं आप, पास्ट इनडेफिनिट है, क्योंकि आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं कि आपने वेदर योर एक्शन इज कंप्लीटेड और नॉट, कि मैंने खाना खाया, राइट। तो यहाँ पे स्टेट नहीं पता चल रहा, क्लियर नहीं हो रहा है कि कब किया है, या मेंशन नहीं हो रहा है, अनसर्टेन है, इनडेफिनेट है, बट एक्शन कब हुआ है आपका, पास्ट में हुआ है। क्लियर। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो सेम है, इट इज वेरी सिंपल, आपको वी टू यूज करना है और दूसरा क्या यूज करना है, डिड नॉट, सबके साथ सेम है, तो इसको दैट इज व्हाई मैंने ही लिख रही हूँ, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हो गया है डू का, डिड। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ब भी हैं और आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म को भरना है। तो इट्स वेरी सिंपल कि डिड नॉट को यूज करना है आपको अगर नेगेटिव सेंटेंस है, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको क्या यूज करना है उसमें, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे ही शी इट हो, चाहे आई यू वी दे हो, सबके साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करना है। तो मोहन डैश ब्लैक शर्ट। अब मोहन ने क्या है, ब्लैक शर्ट पहनी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मोहन क्या आएगा, वेयर का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, आप लोग माइक लेके आंसर दे सकते हैं, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, सेकंड फॉर्म क्या है, वो वेयर की क्या है सेकंड फॉर्म, किसी बच्चे को आता है, आप लोग माइक लेके जो है आंसर दे सकते हैं, वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होती है, जी आई सी बड़कोट, किसी को आता है, धारचूला, जी आई सी धारचूला, वेयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, किसी को नहीं आता है, आप कपड़े पहनते हो तो क्या यूज करोगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो क्या यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, राइट। अगर पास्ट में पूछेंगे तो क्या करोगे, सेकंड फॉर्म यूज करोगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, वोर, मोहन वोर ब्लैक शर्ट। क्लियर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। नेक्स्ट है आई, जिस बच्चे को भी आंसर आता है, चाहे जी आई सी बड़कोट है, चाहे जी आई सी धारचूला, धारचूला, आप लोग माइक लेके जवाब दीजिए, मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे कुछ आपको चेंज नहीं करना है, चाहे वो ही शी इट है या आई यू वी दे है, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। जिस बच्चे को आता है, टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अब आप लोग 10th क्लास में हैं तो आप लोगों को तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, मीट के सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, जी आई सी बड़कोट, आप में से किसी को आता है, कितने बच्चों को आता है, अच्छा हैंड रेस करके बताइए आप लोग,
जीआईसी धारचूला, वेरी गुड। हैंड रेस कर रहे हैं बट आंसर दे नहीं रहा कोई बच्चा। जिन बच्चों ने हैंड रेस करा है प्लीज, अगर आपको आता है इट इज वेरी गुड, राइट? तो प्लीज आंसर द क्वेश्चन। माइक लीजिए आप लोग। मीट का सेकेंड फॉर्म क्या है? देखो सारे बच्चे जो हैं हैंड रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी प्रिपेयर रहे। यहाँ पे क्या आएगा? द प्योन डैश द बेल। एनीवे जिन बच्चों को आता है वेरी गुड। कई बच्चों ने हैंड रेस कराए हैं। आई थिंक आप लोगों का माइक जो है इट इज नॉट वर्किंग। तो फर्स्ट वाले का यहाँ पे क्या आएगा? आई मीट का क्या होता है बच्चों? मैथ, MET, मैथ। तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे क्या है, कि कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सबके साथ जो है आप सेकेंड फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आई मेट द पियान। क्या आएगा इसका? रिंग रैंग रंग। तो क्या है सेकेंड फॉर्म इसकी? द पियान बजाई। पियान ने क्या करा? चपरासी ने बैल बजाई। तो क्या आएगा यहाँ पे? द पियान रैंग द बेल। ही स्लीप का, स्लीप का क्या होता है सेकेंड फॉर्म? कितने बच्चों को आता है? हैंड रेस करके बताएं। हैंड रेस करें आप लोग। स्लीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्लीप वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? कितने बच्चों को आती है? हैंड रेस करिए आप लोग। ओनली फ्यू स्टूडेंट, थोड़े से बच्चे जो हैं हैंड रेस कर रहे हैं जीआईसी बड़कोट से। वेरी गुड। जितने बच्चों ने हाथ उठाया है अगर उनको आता है तो इट्स वेरी गुड। तो अभी चेक कर लें, अगर आपका सही है तो वेल डन। स्लीप का होता है बच्चों स्लेप्ट, SLEPT। क्या होती है स्पेलिंग? SLEPT स्लेप्ट। शी डैश टू मुंबई यस्टरडे। अब गो का तो आई थिंक सबसे ज्यादा बच्चों मोस्टली जो है बच्चों को आता होगा। गो का क्या होता है बच्चों सेकंड फॉर्म? जीआईसी धारचूला, गो वेंट गॉन। गो का क्या हो गया बच्चों? वेंट। शी वेंट टू मुंबई यस्टरडे। ही राइट का क्या होता है सेकंड फॉर्म? रोट। सीता, फिर वही है सेम रिपीटेड है सैंग। जैसे रिंग का रैंग है, सिंग का क्या होता है बच्चों? सिंग सैंग संग। शीला क्या आएगा बच्चों? पास टेंस में हम क्या यूज करते हैं? डिड नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज रिटन हियर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सारे बच्चे ध्यान में रखे, डू डस डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो। तो यहाँ पे क्या है? ही रोट, सीता सैंग। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? शीला डिड नॉट फिनिश। व्हेन डिड यू कम, वही है WH वर्ब्स यूज करें, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उनको यूज करना है। व्हेन डिड यू कम हियर? वी क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? ईट का क्या होता है? ईट एट ईटन। तो यहाँ पे क्या आएगा? वी एट आ फुट। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है हमारा? पास्ट इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, अनसर्टेन। कोई भी हम काम कर रहे हैं वो क्या है? अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है। क्लियर? तो ये हमने आज करा पास्ट इंडेफिनेट। और बच्चों आपको सिंस और फॉर्म में डिफरेंस समझ में आ गया है? तो अभी मैंने इससे पहले आपको कराया था, कितने बच्चों को समझ में आया सिंस और फॉर का डिफरेंस? नहीं आया तो अभी दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा बच्चों को सबके समझ में आ गया। समझ में आ गया तो हैंड रेस करें। अब वो बच्चे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जीआईसी बड़कोट में तो समझ में आ गया। अभी मैं आप लोगों से ही पूछूंगी क्वेश्चंस। जीआईसी धारचूला आप लोगों के समझ में आया डिफरेंस सिंस और फॉर में? अभी हमने यूज करा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो अभी हमने क्या करा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट करा है, अभी हम करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब बच्चों यहाँ पे क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट है आपका टेंस, अभी भी चल रहा है। क्या हो रहा है आपका काम? चल रहा है। जैसे मैं क्या कर रही हूँ अभी? पढ़ा रही हूँ। और अगर पास्ट में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? पढ़ा रही थी, राइट? बट पास्ट में वो कंटिन्यू है,
वर्ड से पता चलता है क्या है हमारा का, जो हम एक्शन कर रहे हैं वो क्या है, इनकम्प्लीट, क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है, चल रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट में, अगर प्रेजेंट में होगा चल रहा है, पास्ट में हो गया तो क्या होगा, चल रहा था, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज रीडिंग, पढ़ रही थी, तो क्या हो गया, पास्ट में पढ़ रही थी, तो क्या है, कंटिन्यू है, इनकम्प्लीट है। तो वर्ड से आपको पता चल जाता है कि टेंस क्या है आपका, वेदर इट इज कंप्लीटेड और वेदर इट इज नॉट कंप्लीटेड, क्लियर। तो कंटिन्यूअस से पता चल रहा है कि हमारा काम क्या है, इनकम्प्लीट है। तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑन गोइंग इन द पास्ट। ऑन गोइंग मीन्स चल रहा था, पास्ट में वो चल रहा है आपका काम, क्लियर। लेट्स सी द रूल। अब आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इनको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, ये दिस इज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और देन मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्या यूज करनी है आपको, वी फोर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फोर्थ फॉर्म कैसे बनानी है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है हमारा, V4, क्लियर। अब किसके साथ वॉज यूज करना है, किसके साथ हमें वो यूज करना है, लेट्स सी। ही के साथ हमें क्या यूज करना है, वॉज प्लस V1 प्लस ING, क्लियर। आई यू वी दे, ये सारे हमारे प्लूरल हैं और आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वॉज प्लस V1 प्लस ING, आई के साथ वॉज, ही शी इट के साथ वॉज, यू वी दे के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों, व प्लस V1 प्लस ING। अगर आप कंपेयर करते हुए चलें, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों, हम इज एम आर, क्लियर, इज एम आर करते हैं बच्चों यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, कि मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सिंगिंग कर रहा हूं, जो भी कर रहे हैं, राइट। तो आई इज किसके साथ यूज करते हैं, ही शी इट के साथ, एम के साथ क्या यूज करते हैं, आई, आर के साथ क्या यूज करते हैं हम, यू यू वी और दे, क्लियर। अब आप डिफरेंस देखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और व्हाट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है। अभी हम क्या यूज करते हैं, ही शी इट के साथ इज यूज कर रहे थे, तो इज का क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट वॉज, क्या यूज करें हम, वॉज, आई के साथ हम एम यूज करते हैं तो एम का पास्ट क्या हो जाएगा, वॉज, क्लियर। आर का पास्ट क्या हो जाएगा हमारा, वो, आर का क्या हो गया, वर, क्लियर। तो यू वी दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर। तो इज एम आर किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका, वॉज और वो में। तो इज एम दोनों किसमें चेंज हो जाएंगे, वॉज में, और आर किसमें चेंज हो जाएगा, वो में, क्लियर। ये क्लियर हो गया बच्चों, और आई के साथ यहाँ लिखा है, क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछते रहे हैं यहाँ पे। अब लेट सी द सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, वॉज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, पहले हम क्या यूज करते थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, एम, अभी हम यहाँ क्या यूज करें बच्चों, वॉज। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, इसका पास्ट, गोइंग क्या है आपका, गो प्लस ING, तो क्या बन गया ये, गोइंग। तो हमने यहाँ क्या लिखा, V1 प्लस ING, तो आई वॉज गोइंग टू देहरादून, तो ये क्या है आपका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये किसको हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को, क्लियर। और अगर इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बोलेंगे तो बच्चों क्या बोलेंगे हम, आई एम गोइंग टू देहरादून, मैं जा रहा हूं, और ये क्या हो गया, मैं जा रहा था, क्लियर। My father was writing a letter. मेरे फादर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, was हेल्पिंग वर्ब हो गया,
राइटिंग आपकी होगी बी फोर्थ फॉर्म और लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। कि मेरे फादर क्या कर रहे थे, एक पत्र लिख रहे थे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, माई फादर इज राइटिंग अ लेटर। तो आप जो है अपने आप जो है उसको डिफरेंट जो है टेंसेज में अपने आप करते रहे उसको ट्रांसलेट। दे वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो दे क्या है आपका सब्जेक्ट, वर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमने देखो बच्चों इसको जस्टिफाई भी करें आपने जो लिखा है सही है या नहीं। तो दे के साथ क्या यूज करा हमने, वर। क्लियर। तो दे वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। अगर यू होता तो भी हम क्या लिखते हैं, यू वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। अगर वी होता तो भी हम क्या कहते हैं, वी वर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। कि हम क्लास में क्या कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, नॉइस कर रहे थे। क्लियर। सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या लिखना है, वॉज नॉट या वर नॉट। और सेंटेंस ऐसे ही रहेगा आपका, आई वॉज नॉट, खाली आपको इंसर्ट करना है नॉट। किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब देन नॉट और फिर क्या आएगा आपका, मेन वर्ब। क्लियर। तो दोनों के बीच में आपको नॉट को इंसर्ट करना है। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह नहीं गा रही थी एक गाना। दे वर नॉट ओपनिंग द डोर, वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर प्रश्न वाचक अगर सेंटेंस है तो वॉज, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, बिफोर द सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा बच्चों आपका, बिफोर द सब्जेक्ट। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वॉज ही गोइंग, यहाँ पे आएगा मेन वर्ब और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था। और अगर हम यहाँ पे सिमिलरली वाई यू प्लेइंग दिया, अगर डब्ल्यू एच क्यों कहाँ अगर हमें पूछना है तो इसको हम इससे पहले ऐड करेंगे, वाई वर यू नॉट वर्किंग यस्टरडे, कि तुम कल काम क्यों नहीं कर रहे थे। क्लियर। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, वॉज और वर को यूज करना है विथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, वॉज नॉट और वर नॉट यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। क्लियर। तो बच्चों एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पुट करना है आप लोगों को, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। एनी क्वेश्चन, लेट्स डू द एक्सरसाइज। अगर ये स्किपिंग कर रही है तो क्या होगा, ये कर रही थी बोलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, कर रही है बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल है, आपको क्या यूज करना है, वॉज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और दोनों के साथ हमें क्या यूज करना है, वी वन सॉरी वी फोर। क्लियर। अब किसके साथ करना है, इट इज वेरी सिंपल, ही शी इट आई, ये किसके साथ यूज करना, वह। ये मैं सिंपल इसलिए लिख रही कि इट इज इजी या इट हेल्प्स यू टू कंप्लीट द सेंटेंस, यू वी और दे। क्लियर। अभी यहां से आप देख के बता सकते हैं कि ही के साथ आपको क्या यूज करना, वॉज करना है या वर्क करना है। इट इज राइट, इट हेल्प्स यू टू कंप्लीट द सेंटेंस। फर्स्ट वन इज सिंपल सा है, क्वेश्चन क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको फिल करना, अभी हमने इसको डिस्कस करा है। ही, अब ये क्या है, वर्ब्स हैं। वर्ब क्या होते हैं, कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। क्लियर। इनको हेल्प कौन करता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज और वर्ब क्या है हमारे, या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या इनको क्या कहते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब। क्यों कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसको, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, ही डैश अ नॉवल राइट। अब क्या आएगा बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही के साथ क्या यूज करेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, वॉज। तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, ही वॉज राइटिंग अ नॉवल। अब यहाँ क्या है बच्चों, बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या है, बहुत सारी हैं। तो क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, वर। बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट इन ट्रीज, बना रही थी चिड़ियाएं क्या कर रही थी, पेड़ पर घोंसला क्या, नेस्ट बना रही थी।
ही के साथ क्या आएगा यहाँ पे, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था. ही डैश वेरी वेल, और क्या है यहाँ पे, स्विम, तो ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल. द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द सन. माई मदर क्या आएगा यहाँ पे, वॉज निटिंग. अब निटिंग में क्या आएगा यहाँ पे, के एन आई डबल टी आई एन जी, निटिंग अ स्वेटर, निट मीन्स बुनना. हर फादर वॉज रीडिंग द रामायण, क्या पढ़ रहे थे, रामायण. ही क्या आएगा बच्चों, वॉज वेयरिंग, वेयर का क्या हो जाएगा, आई एन जी लगा देंगे हम सबके आगे, तो ये क्या बन जाएगी, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी जो हमने यहाँ पे यूज करनी है, राइट, वॉज और वर के साथ, क्लियर. He was wearing a rat cap. He, we, were. We के साथ क्या आता है, वो, क्लियर. तो we were playing cricket. Where were they? क्योंकि they है तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. तो क्या आएगा बच्चों, Where were they sleeping? कहाँ सो रहे थे, वे कहाँ सो रहे थे. तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज हुए हैं. Where were they? क्या आएगा, स्लीपिंग, इज इट क्लियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट, ही वॉज डूइंग. आप लोग अपने आप करते रहे, अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा है इसको. ही वॉज स्विमिंग. The old man was sitting. My mother was knitting. सारे बच्चे करते रहे इसे. Her father, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है फिर आपके पैरा बन के एग्जाम में आएंगे. Her father was reading the Ramayana. He was wearing. We were playing. Where were they sleeping? तो इस तरह से आप घर में एक्सरसाइज करते रहे और रिवाइज करते रहे. अभी जितना भी पढ़ाया है इसके सारे सेंटेंसेस आप जो है एज मैनी एज यू कैन जितने बना सकते हैं उतने सेंटेंसेस बनाए. पहले में बना सकते हैं आप और कंपेयर करें. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट के हमने चारों टेंसेस कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. ये भी हम कर चुके हैं, सिक्स टेंसेस हमने कर लिए हैं और डिफरेंस देख लिया कि सेंस और फॉर्म में क्या डिफरेंस है. अब आप घर में जाके जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो है पैरा लिखें, कोई भी टॉपिक लें और उस पे आप जो है इन टेंसेस को यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस while you are making or framing the sentence, clear? तो बच्चों अगर टेंस आपके क्लियर हैं तो इट इज वेरी इजी. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो यू कैन जो भी क्वेश्चन आप बना, जैसे आपके होता है ना कई बार माइंड में आते हैं हमें ये सेंटेंस हमें लिखना है आंसर में, तो अगर आपके टेंस क्लियर है तो इट इज वेरी इजी. इट हेल्प्स यू टू कम्प्लीट द सेंटेंस योर मेक द सेंटेंस और इट इज इजी. और कोई भी कंपोजिशन लिखना, कोई भी टॉपिक आएगा, अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो आप जो है इजीली यू कैन राइट द कंपोजिशन या कोई भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं. या आपको कोई जो है क्वेश्चन फ्रेम करना है तो अगर टेंसेस क्लियर हैं तो बच्चों आप इसलिए जो है सारे बच्चे फोकस करें. और कहीं पे आके समझ में नहीं आ रहे हैं तो तुरंत जो है आप अपने डाउट्स को क्लियर करें और घर में रिवाइज करें. और फिर भी नहीं आया तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर. तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू या नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.